आइए सुनते हैं गुलुकार माई ढाई ढाई और मोहर्रम पकी। तो भैया मुझे सिटी जाना है, वहाँ से हेयर कटिंग करवानी है और कुछ और भी काम है, तो चलिए चलते हैं सिटी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो शहर में काफ़ी घूमने के बाद और जब मैंने देखा कि काफ़ी बार बंद पड़े थे, तो मैंने ये डिसाइड किया कि किसी एक बार को अपने घर पे ही बुला के हेयर कटिंग करवा लेते हैं। अरे गुगरिया रल जा पायड़ली तारल जा रे गुगरिया, अरे गुगरिया रल। अगर आप नवाब शाह आए और ये जगह नहीं देखी तो फिर क्या देखा आपने? गरिया थारा बजे रमो हसला हेली गुगरिया थारा बजे, गुगरिया थारा बजे जा जरिया थारा बजे, गुगरिया थारा बजे रे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने हेयर कटिंग करवा ली है और फ्रेश भी हो गया हूँ, रेडी भी हो गया हूँ। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं किसी अच्छे काम से, लेकिन वो काम मैं आपको बाहर चल के दिखाता हूँ। तो चलिए बाहर और देखते हैं वो कौन सा काम है जो कि आप भी कर सकते हैं सवाब की खातिर। चलिए बाहर चलते हैं। तो अभी हम बाहर आ चुके हैं और आज का अच्छा काम ये है कि आपके घर में जब भी पुराना बर्तन या कुछ भी ऐसा हो जिसमें पानी भर के रख सकें, वो आप भरें पानी से और बाहर किसी भी दीवार पे या कहीं पे भी कोने पे रख दें, ताकि जो परिंदे हैं जो प्यासे होते हैं वो पानी पी सकें। तो आज का काम ये मैं भी कर रहा हूँ। चलिए, मेरे पास ये दो चीज़ें अवेलेबल थी तो मैंने इनको पानी से भर दिया है और अभी मैं इनको दीवार के ऊपर रख रहा हूँ ताकि जो परिंदे हैं वो वहीं से पी सकें। तो अभी मैंने परिंदों के पानी का बंदोबस्त कर दिया है। बंदोबस्त तो वो अल्लाह पाक की ज़ात करती है, लेकिन जितना मुझसे हो सका है आसपास के परिंदों के लिए मैंने पानी रख दिया है। तो आज की अच्छी बात हो गई। और एक और बात है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले मैं भी जाता था लोकल मार्केट्स में और वहाँ से चीज़ें अच्छी नहीं मिलती थी और पैसे भी काफ़ी लगते थे, लेकिन इस बार जो मैंने ईद की शॉपिंग की है वो काफ़ी अच्छी लगी है मुझे। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भी वहाँ से, लेकिन उनकी एक और बात है कि आपको वहाँ से सेल में उठानी है जो भी चीज़ें हो उनकी, जब भी सेल लगे तो वहाँ से आपको सेल में उठानी होगी क्योंकि न्यू अराइवल्स काफ़ी एक्सपेंसिव हैं उनकी। तो आपके भाई ने कौन सी शॉपिंग की है वो मैं आपको दिखाता हूँ और आप देखें, और अगर आपको अच्छी लगे तो आप वहाँ पे जाएं। ये मुझे उन्होंने प्रीफर नहीं किया कि आप मतलब अपने व्लॉग में कहें, लेकिन ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे अच्छी चीज़ें मिली हैं, अच्छी चीज़ें लगी हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जब भी शॉपिंग करें नवाब शाह से तो ये जो ब्रांड है ये काफ़ी अच्छी है। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको अपनी शॉपिंग। सबसे पहले मैंने ये शर्ट ली है और उसके बाद ये टी शर्ट है और उसके बाद ये है टी शर्ट और इसके बाद ये टी शर्ट है और
ये मैंने ईद के लिए सूट लिया है, और दो जींसेस भी हैं, वो मैं अभी आपको नहीं दिखा पा रहा, तो वो मैं आपको बाद में दिखा दूँगा। हाँ तो भैया कैसी लगी शॉपिंग? लेकिन यहाँ पे एक करेक्शन की दरकार है, क्योंकि ये जो सारी शर्ट्स हैं और ये जो सूट है, ये सारी मैंने ली हैं 8,000 रुपये में, लेकिन अगर मैं बिना सेल के लेता तो शायद 13,000 या 14,000 का मिल जाते। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पे अगर नवाब शाह से शॉपिंग करते हैं तो हिडन रोप जो है वो एक अच्छी ब्रांड है, तो आप वहाँ पे जाएं, जब भी सेल लगी हो तो वहाँ से लें चीज़ें, आपको क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी और क्वांटिटी भी अच्छी मिलेगी। क्योंकि मैं 8,000 रुपये में इतनी शॉपिंग करके आया हूँ कि मतलब अगर मैं बाहर से लेता तो शायद सिर्फ 2-3 ही चीज़ें ले पाता। तो वहाँ पे जो शर्ट्स देखी, और ये भी शर्ट जो मैंने अभी पहनी हुई है, ये सारी मैंने वहाँ से उठाई हैं, तो ये फ़ायदा है यहाँ से शॉपिंग करने में। क्योंकि मुझे यहाँ पे काफ़ी फ़ायदा हुआ तो मैंने सोचा कि कुछ और भी लिया जा सकता है। तो आपके भाई ने शूज़ लिया है, शूज़ अच्छी क्वालिटी वाला लिया है, लेकिन उस पर कुछ डिस्काउंट वगैरह नहीं था। मैंने काफ़ी ढूँढा लेकिन कुछ भी ऐसा डिस्काउंट वाला नहीं मिला, और ना ही सेल में मिला मुझे। तो शूज़ जो आपके भाई ने उठाया है वो उठाया है फर्स्ट स्टेप से, और उसमें कोई भी डिस्काउंट या सेल वगैरह नहीं थी, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव मिला मुझे। क्योंकि मुझे पसंद आ गया तो मुझे उठाना पड़ा, तो वो मैंने ले लिया है। वो ईद के लिए नहीं है, वो रूटीन के लिए है। तो आप शूज़ के साइज चेक करें, वो अराउंड 4,000 रुपीज़ का मिला है मुझे, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव लगा मुझे। खैर मुझे कहीं और पे पसंद नहीं आ रहे थे तो लेना ही पड़ा मुझे, इसीलिए अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको